आपके पति को किसने मारा है? मेरे पूरे घर वालों ने मिलके मारा है। आपके घर वालों ने मिलके मारा है ना, वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना, मैं मार के मर जाऊंगी। किसे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी, मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। अचानक से रोड पे 4 फायरिंग हुई, इधर से लोग डरे, बाकी तब तक ताबत और इधर 3 फायरिंग हुई। शादी में नहीं करूंगी। आप मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी? मैं जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। दूसरे से करवा रहे हैं फोन कि हम लड़के को मार दिए, तुम लड़की को मार दो, हिसाब बराबर हो जाए। ये जंगल राज है, चरम सीमा पे। हाँ, चरम सीमा पार है। आपको बता दे, आपको ताजुब होगा जान के कि ये जो लड़की बैठी है, इनके पिता ही अपने दामाद को मरवा देते हैं। यानी कि लड़की के पिता ने ही अपने दामाद को मरवा करके अपनी बेटी को विधवा बना दिया है। अब मुझे नहीं बताना है, मुझे बस न्याय चाहिए। लग रहा है इस प्रकार से न्याय मिलेगा? उम्मीद में बैठी हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं खुद जाकर प्रशासन के सामने आत्महत्या कर लूंगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो थक गई, यहाँ मेरे पति मरे, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। दिन रात तो धमकी दे रहे हैं मारने की, हम लोगों को मारने की धमकी सबको दे रहे हैं। कल दिन दहाड़े फायरिंग कर फायरिंग हुआ, ये बात सच है? ये बात सच है, आप मीडिया में जाके देख लीजिए, मीडिया वाले खुद कह रहे हैं। बिहार में अगर आप इंसाफ की राह देख रहे हैं तो शायद आप गलत होंगे, क्योंकि आपको यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। यहाँ सिर्फ ताकतवर, बाहुबली और तमाम लोगों को इंसाफ मिल सकता है, और अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उन्हें रोकने वाला, उन्हें टोकने वाला और उनसे आम लोगों को इंसाफ दिलवाने वाला शायद कोई नहीं है। एक ऐसी ही कहानी अभी सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को देख करके शायद आप भावुक हो सकते हैं। शायद आपको लगेगा कि इस लड़की ने ही गलती की अपने पिता को धोखा दे करके, लेकिन ऑनर किलिंग जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं एक वर्चस्व वाली बात हो चुकी है। बता दें कि इतना सब हुआ है, मीडिया ट्रायल हुआ है, इतने मीडियाकर्मी इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि कल की डेट में जब यहाँ मीडियाकर्मी पहुँचते हैं तो इनके घर के आसपास चारों तरफ से फायरिंग होने लग जाती है, और उसके बाद होता क्या है तो ये लोग डर जाते हैं, ये लोग सहम जाते हैं और इन्हें डराया जा रहा है ताकि ये गांव छोड़ के चले जाए, और जिन लोगों ने इनके बेटे को, इनके पति को मारा है वो लोग कहीं ना कहीं बच जाए। बाकी क्या पूरा मामला है वो अब आपको बताते हैं। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल मीडिया आई थी पटना से, ढेर सारे लोग थे हमारे घर पे, मुखिया भी आए थे, कम से कम 25 आदमी थे। अचानक से रोड पे 4 फायरिंग हुई, इधर से लोग डरे, बाकी तब तक ताबत और इधर 3 फायरिंग हुई उसी समय, 3 बजे 3:30 बजे का टाइम। इसलिए डराया जा रहा है, इसलिए कि आप लोग यहाँ से चले जाए, वो लोग आके बस जाए, फिर थाना के 1-2 दिन पर चक्कर लगाएगी, आके जाएगी, बोलेगी थाना की नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए डरा। मतलब कि ये बात कहा जा सकता है कि जो बिहार में चलता है थाना मैनेज कर लिया गया है। सबसे ताजुब की बात आपको तब होगी जब आपको पता चलेगा कि ये जो लड़की यहाँ बैठी है, इनके पति को मार दिया गया। फोन दूसरे से करवा रहे हैं फोन कि हम लड़के को मार दिए, तुम लड़की को मार दो, हिसाब बराबर हो जाए। आपको बता दे, आपको ताजुब होगा जान के कि ये जो लड़की बैठी है, इनके पिता ही अपने दामाद को मरवा देते हैं। यानी कि लड़की के पिता ने ही अपने दामाद को मरवा करके अपनी बेटी को विधवा बना दिया है। सही बात है ना ये? पिता का क्या नाम है आपके? धर्मवीर गिरी। पिता ने ऐसा क्यों किया? आपने उनके मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, इस वजह से ये हुआ है? देखिए, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मुझे नहीं बताना है, मुझे बस न्याय चाहिए। लग रहा है इस प्रकार से न्याय मिलेगा? उम्मीद में बैठी हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं खुद जाकर प्रशासन के सामने आत्महत्या कर लूँगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो थक गई, यहाँ मेरे पति मरे, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, न्याय चाहिए उनको जल्द से जल्द। दिन रात तो धमकी दे रहे हैं मारने की हम लोगों को। बोला गया है कि आपको भी ये लोग मार दे और बात को खत्म करें। हाँ, मुझे और इस बच्चे को भी मार दे, सब खत्म हो जाएगा, मामला खत्म कर दे। अच्छा, तो मतलब बच्चे को खत्म कर दीजिए और आपको खत्म कर दीजिए, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा आ जाएगी वापस और उसके बाद बात खत्म हो जाएगा। और अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो इन लोगों को भी मारने की धमकी वो दे रहे हैं। हाँ, मारने की धमकी सबको दे रहे हैं, कल दिन दहाड़े फायरिंग कर फायरिंग हुआ, ये बात सच है? ये बात सच है, आप मीडिया में जाके देख लीजिए, मीडिया वाले खुद कह रहे हैं, उनके सामने फायरिंग हुई है। मीडिया वाला उसी में रिकॉर्ड कर रहे थे, मीडिया वाला ना उसी समय रिकॉर्ड कर रहे, देखिए अभी मैं यहीं हूँ, यहीं गोली चल रही है, यहीं फायरिंग हो रही है, उसी समय गोली धड़ाता और 4 इधर घर के आगे, 4 घर के पीछे। अब क्या बोले? और अगर कह दे कि बिहार में जंगल राज है तो कुछ लोग भड़क जाएंगे और कहेंगे कि आप गलत तरीके की बात कर रहे हैं। 2 किलोमीटर थाना है यहाँ से, आवाज़ भी सुन सकती है, उसके बावजूद भी
3:30 बजे गोली चली, थाना हमारे द्वार पर 7 बजे पहुंचा, 8 बजे मतलब बस फॉर्मेलिटी हो रही है। हाँ बस। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, मंत्री? कोई नहीं हमारे आज तक, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक मुखिया भी हमारे साथ नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं मुखिया, कुछ नहीं, कोई नहीं साथ दे रहा है। चारों तरफ से आप लोग घिर गए हैं और कोई आपका साथ देने, कोई नहीं साथ दे रहा है। उन लोगों से सारे लोग डर रहे हैं। लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा ऐसे? नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा है। उम्मीद खो रही हैं? नहीं, हम तो 2 दिन बोले हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं यही देख रही हूँ कि जब कोई हमारे फेवर में नहीं है, यहाँ तक मुखिया भी फेवर में नहीं है। मुखिया सब जानते हैं, मुखिया से मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि आप अपने पैड पर लिख के दो कि ये आतंकवादी है, नहीं देते हैं। कल भी मैं बोली हूँ, टाल के चले गए कि सुबह दे जाऊँगा, सुबह भी मैं फ़ोन करी, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। वो पूरा गांव, कहीं ना कहीं गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या गांव के जितने भी वैसे लोग जो इनकी मदद कर सकते हैं, उन्होंने अपने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे बस का कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा। अगर ये गलत है, ये अपराधी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ से भाग के कहीं जा रहे हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं। अपराधी आज तक आपको बताएं, हमारे बच्चे ऐसे हैं कि किसी की तरफ आंख पलट के भी नहीं देखते। बस एक ही मेरा गलती है लड़का को कि लड़की के साथ शादी किया है, इसके अलावा हमारे ऊपर कोई केस ना कुछ ना कुछ कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सुनने में आया है ये चीज़ कि जब थाने में कॉल किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि 3 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, कौन वो 3 लोग हैं? वो 3 लोग वही आदमी है जिसके खाना खिलाने में वो लोग असमर्थ है, जिसको चाहते नहीं कि हम खाना खिलाए। एक बुड्ढा है और उसकी बीवी है, जो कि दोनों बीवी में रात दिन लड़ाई होता है। वो चाहता है एक बीवी अस्थिर हो जाए जेल में जाके। अच्छा। एक बीवी, 2 बीवी है पाली वाली, एक इसकी माँ है जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब कि जिन लोगों से वो परिवार पहले से परेशान है, उनको जेल में, वही जेल, वही नहीं लोगों घर में छोड़ के और बाकी भाग गए, वही 3 को घर में छोड़े, वही 3 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जब तमाम देशवासी गांधी जयंती मना रहे थे और तमाम लोगों के मन में शांति की भावना थी, उस वक्त इनके पति को मारा जा रहा था और इनके पिता उन्हें मारने में शामिल थे वहां पे। और लेकिन आज इसके हमारे बेटे को मारने में 15-16 लोग थे, 15-16 लोगों ने, 16 लोगों थे। भूषणगिरी मास्टरमाइंड प्लान बनाने वाला, धर्मवीरगिरी, भूषणगिरी, उत्तम, 7-8 के हाथ में तो बंदूक था, 7-8 के हाथ में बंदूक था। उसको 2 गोली मारे, बीच वाले लड़के पर गोली चलाए, वो गिर गया, वो लोग समझे ये भी मर गया, तब वहाँ से भागे हैं। बड़ा वाला लड़का खड़ा होकर कर रहा है मुझे मार मुझे मार, उसको छोड़ दिए, क्योंकि ये दे ही दोनों भाई को उठा के दापरवाह करेगा, उसको छोड़ दिए। 9-15-16 आदमी थे, इसके बुआ के तीनों बुआ के 2-2 लड़के थे, उत्तमगिरी के 2 बेटा, धर्मगिरी उनके 2 बेटे, भूषणगिरी उनके 2 बेटे, जयराम गिरी और 3 इसके बुआ के लड़के, और अज्ञात भी बहुत लोग थे। सुनने में आया कि सुपारी वगैरह भी दी जा रही है। हाँ, सुपारी तो पहले आज 1-2 साल से दिया जा रहा है, 2 आदमी चुनावी रंजिश थी तब से है। ये रवि को सूरज को, 2 भाइयों को मारने की साजिश थी और अभी भी एक भाई जो बच गए हैं उनको मारने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। घर से बाहर ये लोग जाते होंगे तो डर नहीं जा रहे हैं? डर से जा नहीं, नहीं जा रहे हैं भाई। हत्या हो गया, एक और का हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, कैसे न्याय मांगेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपसे ये जनरल सवाल पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग अगर अभी हम कह देंगे कि ये जंगल राज है तो बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, आपको क्या लगता है ये जंगल राज नहीं है? ये जंगल राज है, चरम सीमा पे। हाँ, चरम सीमा पार है, ऐसा जंगल राज है। आपको बता दूं कि एक लड़का हमारे घर काम करता है, उसके घर पहुंच जाते हैं कि जाना मत, तुझे भी गोली मार देंगे, बिहार को चला रहे। योगी जी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बस यही है कि नीतीश कुमार अपना गुंडा भेजे हमको मरवा दे, यही कहेंगे। पुलिस प्रशासन, सत्ता शासन, सबसे इनका विश्वास उठ चुका है और अंततः अब ये लोग कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कोई आए और हमें मार दे, बस यही चीज़ बच गया है। और लोग आ भी जा रहे हैं आराम से, आसपास में गोलियां चल रही हैं, गोली चल रही है और उसके बाद ये लोग परेशान हो जा रहे हैं, ये डर जा रहे हैं, पूरा परिवार खौफ में है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। ये दूसरी घर की बेटी है, इन्हें भी मार दिया जाएगा और इन्हें ही उल्टा फंसा दिया जाएगा।
फिराक तो वही चीज़ की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं से खबर ये मिली है कि इन लोगों तक बात पहुंचाना है कि भाई हमने तुम्हारे बेटे को मारा, तुम हमारी बेटी को मार दो, बात ख़त्म करो और यहीं पे बात रह जाएगा और किसी को कुछ नहीं होगा। अब बताइए इस बिहार में कैसे लोग रहें और क्या आप बिहार में रह के खुद को इस तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगे? SP साहब के पास 5-6 दिन पहले आवेदन दिए, आज तक SP साहब उसे कोई एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिए। नहीं तो SP साहब चाहते तो इसको सुरक्षा नहीं देते हमारे द्वार पर, बिल्कुल नहीं देते। सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं बस, कोई सुरक्षा हमारा सुनवाई ही नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है हमारा। जब गोली कल चली मैं फोन करते रह गई 4 घंटा, बड़े बाबू फोन नहीं उठाए हमारा। अच्छा, इग्नोर कर दिए। वाह, और सबसे ताजुब की बात तो ये उप मुखिया है, अब फोन नहीं उठाया जाए। जब हमारे द्वार पर कोई घटना होता है फोन करते, फोन नहीं उठाता कोई, क्या करेंगे हम बताइए। मीडिया कर्मी आ रहे हैं तो उन्हें भी डराने की कोशिश। हाँ, मीडिया को इतना डराने के लिए, जब मीडिया हमारे द्वार पर ज़्यादा भीड़ थी तभी गोली चली, इसीलिए ना ये लोग भी न्याय नहीं दिलवाए। थाना वो तो चाह रहे हैं कि सबको हमारे मुट्ठी में है, ये लोग भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाकी इस मामले को थोड़ा सा उछलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो प्रेम प्रसंग वो सब मामला अलग है। करिए हमारा ये जो निवेदन है, हमारे जो अनुरोध है, पप्पू यादव तक पहुंचाइए, वो हमें आके इंसाफ दे बस। पप्पू यादव से? हाँ, उम्मीद है पप्पू यादव से, क्योंकि लड़की को इंसाफ देते हैं, वो आरती थी उसको इंसाफ दिलवाए, हर जगह पहुँच। हाँ, लेकिन वो लोग तो शादी नहीं किए थे, लेकिन ये तो शादी करिए, कोर्ट में बसा के उसके बाद कोर्ट में शादी की है, बच्चा भी है इसके, फिर भी इसके आके पप्पू यादव इसको सहारा बने, इसका सहायता करे और इसको सुरक्षा दे। हम उनसे एक गुहार लगाएंगे बस, पप्पू यादव से एक उम्मीद रह गया है कि हमारे पास आए, बस हमारे पास आए। आप इस परिवार को पैसे का लोभ नहीं है, इस परिवार को किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद सर नहीं चाहिए, लेकिन ये परिवार खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पा रहा है। बच्चों को सुरक्षित दे दे, हमारे बच्चे सुरक्षित रह जाए और अपराधियों को अपराधियों को पकड़वा दे, बस यही कहेंगे बस। और अंततः यही कहेंगे, ये लोग मजबूर हैं और घर में कैद है, और घर से बाहर निकलने से पहले मैं देखता हूँ कि जब भी यहाँ मैं आया हूँ, हमारे घर की आपको बताऊँ, हमारे घर की लैट्रिन बाहर है, रात को कोई खाना नहीं खाता कि लाइटिंग लगेगा तो कोई कैसे जाएगा, ये हालत हो गया हमारे घर का, बस आप समझ सकते हैं। अभी से ज़्यादा हम का कहें, अब बस उम्मीद है कि पप्पू यादव से ये गुहार लगा रही है और उन तक बात पहुँचे, और बात पहुँची भी है, अब शायद उनके ऊपर है कि वो देखते हैं या फिर नहीं। इस मामले को जल्द से जल्द, इस मामले पे सुनवाई होनी चाहिए। आप अगर एक बार यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की जो सत्ता शासन और प्रशासन है ना, तीनों डोल जाएगी, और आप एक बार यहाँ आइए और इन लोगों का दुख सुनिए।